फसल क्यों कट रहे हैं? बिल्कुल शौक सवार हो गया था भैया, ये सोचते कि साइंटिस्ट बनते हैं, किसानी बहुत कर ली हमने, चलो फसल कटवा के देखते हैं ए मामा कहता लाभ होगा या हानि होगी। अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा बेचारा किसान है या साइंटिस्ट है, बेचारा आज ही होने को तैयार है, माथा पीटने को तैयार है। रामसरे घाट के एसडीएम साहब से कई बार शिकायत कर चुका कि साहब आकर के देख लो, एक काले रंग का सांड है और दो चार ठोरी और मवेशी है, आते फसल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन साहब देखेंगे थोड़ी ना, अब भाई कटीला वाला तार बांध दे, बहुत बगदा खूंखार वाला तार तो काटता है, दे ही छिल गई सांड की तो बगदा गौ रक्षा वाले आ जाएंगे। किलो भैया हमारे बगदा गैया का पेट ये धान जो है ये सांडों से बहुत परेशान थे, छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं और इनसे बहुत परेशान थे। 10 से 15 बीघा धान जो है वो आम आदमियों के बुलाकर उनको मतलब सब फसल को नष्ट करा दिया गया, जो कि सांडों से बड़ी दिक्कत थी। रात में रखवाली करने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती थी। एक सांड ऐसा है जो ब्लैक कलर का है, जिससे एसडीएम रामचंद्री घाट को कई बार भी अवगत करा जा चुका है। ये सांड बहुत आदमियों के किसी का पैर तोड़ दिया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, इससे तंग आकर गाँव वालों ने अपनी फसल को नष्ट करने का फैसला लिया। काले वाला सांड कौन सा जो बगदा रखा है पड़ा, सबकी फसलें बर्बाद कर देता है और आदमी को उठा उठा के पटकता है। अब दीपांशु तो कुछ ऐसा ही बता रहा था, पर फिलहाल भैया छोटा जानवर से किसान बहुत ज्यादा परेशान है, काफी परेशान है, कमेंट कर दीजिएगा। पर फिलहाल एक और खबर देख लेते हैं, अधिवक्ता भी है पत्रकार भी है। तो भाई जान तारीख मुस्कुरा दीजिए, खिलखिला दीजिए, बाराबंकी जिलम बैठा था ना, सोच विचार का कर रहे हैं, हैरान मत होगी। अभी पावर के बारे में जानकारी का अवेंजर्स पिक्चर वालों को नहीं थी, वरना स्पेस में बैठा करके इनको अपने साथ ले जाते हैं और सीधे जा करके थैनोस से लड़ाई करते हैं और बगदा जीत जाते हैं। सर मामा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र का, यहाँ पर देख लो पत्रकार अधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा जी पहुंचे थे, फीता विता काट रहे थे, तालियां बजा रही थी और सबको मिठाई खिलाई जा रही थी। रिजवान भाई ने एक अच्छा काम किया है, क्षेत्र की जनता कभी काफी अपेक्षा रखेगी कि जनता की सेवा करें। और रिजवान भाई तो अब डबल पावर में है, अधिवक्ता भी हैं पत्रकार भी हैं, तो दो जब दो कलमकार मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर ऊंचाइयों पर पहुंचना मेरा मानना है ऊंचाई पहुँचे। रिजवान भाई अच्छे पत्रकार बने और हमारे लायक जो अधिवक्ता समाज की सेवाएं हैं वो उनको देने के लिए तैयार। अब रिजवान चलो मुस्कुरा दो, खिलखिला दो, इतना बढ़िया कार्यालय भैया जिसका फीता काटने के लिए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वयं आए थे। देखो भैया हमारा गुब्बारा भी लटका पड़ा था, पर फिलहाल बाराबंकी जम्मू से उत्तर प्रदेश के एबीसी 4 की एयरपोर्ट शिव मसाजी को पैसे मिलेगी, दबा दो बेल आइकन कस के और आसपास के पड़ोसों को भेजो के चाचा अम्मा सब देख लो शेयर कर डालो।